Good morning dear students. Let's start new topic differentiation. Here we have the definition of differentiation the process of finding the derivative or rate of change of a function is called differentiation. Students the process of finding the derivative और रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन कोई भी फंक्शन चेंज होता है उसका चेंज होने का रेट क्या है और वी कैन से दैट दी प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिफरेंट बाय ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टूडेंट्स जैसे सपोज एक चाइल्ड है अकॉर्डिंग टू एज उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें ही इंक्रीज होगी ग्रोथ भी होगी चाइल्ड की और डेवलपमेंट होगी उसके माइंड की एंड नेक्स्ट वीकेंड से अल्टरनेटिवली चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब सपोज स्टूडेंट्स जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी सपोज इफ अ चाइल्ड हाइट इज टू फीट एंड द हाइट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो स्टूडेंट्स हेयर चाइल्ड हाइट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके नाउ नेक्स्ट इज सिम्बोलिकली वी कैन राइट डी वाई और डी एक्स हेयर वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ इंडिपेंडेंट वेरीएबल स्टूडेंट्स हम जब डेरीवेटिव फाइंड करते हैं जिस फंक्शन का दैट इज दे डिपेंडेंट वेरिएबल और जिस फंक्शन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरीवेटिव फाइंड करते हैं दैट इज़ कॉल दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल

इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जो चेंज होता है रेट ऑफ चेंज दैट इज द डेरिवेटिव्स आप डिफ्रेंशिएशन कहें डेरिवेटिव्स कहें बोथ आर सेम इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड थर्ड वन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल इन स्कूल स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं जब आप स्कूल में आते थे आपके फर्स्ट लेक्चर टीचर का होता था क्लास इंचार्ज का एंड द सेकेंड टीचर सब्जेक्ट टीचर स्टार्ट हो जाते थे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल अगर हम एक पर्टिकुलर टीचर की बात करते हैं तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनका uh, जो लेक्चर uh, चलते हैं वो डिफ़रेंट डिफरेंट क्लासेस में चलते हैं तो ऐसे करते हुए उनकी जो पोजीशन है वो क्या होती है चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू तो, टाइम टेबल तो दैट इज द डेरिवेटिव अब आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स हमारी रियल लाइफ में है नेक्स्ट कंटिन्यू विद हेयर वी हैव द फॉर्मूलाज दीज आर फॉर्मूलाज विच ऑलरेडी यू हैव डन इन क्लास इलेवेंथ नाउ स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट रिवाइज दीज फार्मूला फर्स्ट फर्स्ट इज द प्रोडक्ट रूल Suppose students, if we have two functions fx and gx and we have to find the derivatives then product rule is derivative of fx gx as it is plus fx as it is derivative of gx. Here dash denotes the derivative. Okay, next is the question rule. Question rule suppose students if two functions they here डिविजन की फॉर्म में देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला क्वेश्चन टूल वॉट इज क्वेश्चन टूल फर्स्ट स्केयर ऑफ डेनोमिनेटर एंड इन द्यूमरेटर डेनोमिनेटर एज इट इज जी एक्स एज इट इज रखेंगे और डेरीवेटिव हमें किस का करना है एफ एक्स का एंड अगेन वी पुट हेयर माइनस साइन एफ एक्स जी डैश एक्स मतलब आपको यहाँ क्या करना है टर्न बाय टर्न आपको डेरिवेटिव करना है फ़र्स्ट आप डेरिवेटिव न्यूमरेटर का करेंगे डेनोमिनेटर इट इज प्लेस करेंगे माइनस अब हम एज इट इज रखेंगे न्यूमरेटर को और डेरिवेटिव किसका करेंगे डेनोमिनेटर का ओके नेक्स्ट वी हैव चेन रूल सपोज स्टूडेंट्स वी हैव टू फंक्शंस टुगेदर मोर देन टू फंक्शंस भी हो सकते हैं Suppose we have here f of g of x and we have to derivative with respect to x. In this way, first do derivative of f function, then you have to go inside the function. After that, you will do derivative of gx function. This, uh, this is called the chain rule. Now, move to the next slide. Here we have the first derivative rule. This is the formula of continuity and differentiability you will study. Here we have the f dash x. f dash x means dy by dx. You can also write here dy over dx. So, students, here we have f dash x is equal to limit h approaches to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. Now, Here we have basic differentiation formulas. First is the derivative of constant is zero. Students constant का derivative zero क्यों होता है अब सपोज़ अगर हम डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर के लिए सपोज टू की हम बात करते हैं तो टू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता टू विल रिमेन ऑलवेज सेम एज इट इज़ सो दैट्स वाई उसमें कोई चेंज नहीं है इसीलिए उसका डेरीवेटिव भी क्या होगा ज़ीरो होगा नेक्स्ट है डेरीवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ इक्वल्स टू वन अगर हम एक्स का डेरीवेटिव करेंगे एक्स के ही रिस्पेक्ट में तो वन आता है और सपोज स्टूडेंट्स इफ़ वी हैव टू फंक्शंस टूगैदर सपोज अ कॉन्स्टेंट एंड अ वेरिएबल बोथ इन मल्टीप्लीकेशन देन We do the derivative of variable function. Constant function as it is comes hai. Okay. Next we have the power rule. You can say here x raised to power n derivative with respect to x. In this case what we do is first write the power. After that subtract to 1 from the power. So in this way you can write here nx raised to power n minus one now here we have some another formulas of differentiation related to logarithmic and exponential function so students let's start derivative of exponential remain as it is and here this is the symbol of log you can uh, see here ln you can also write -G log सो डेरिवेटिव ऑफ़ लॉग एक्स यू विल राइट वन ओवर एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टूपर एक्स हेयर ए इज कॉन्स्टेंट सो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या है ए रेज टूपर एक्स इन टू लॉग ए नेक्स्ट इज द एक्स रेज टूपर एक्स स्टूडेंट्स आप जब ये फॉर्मूला अभी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी वेरिएबल की पावर वेरिएबल एक्सरसाइज हम करेंगे ये आगे तो so, उसमें मैं आपको ये प्रूफ करना सिखाऊंगी आफ्टर दैट यू कैन लर्न इट वेरी इजिली नेक्स्ट इज दि डेरीवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं सब्स्क्रिप्ट में ए है देन वी कैन अप्लाई हेयर द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग वी कैन राइट लॉग एक्स ओवर लॉग ए एंड डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन ओवर एक्स नाउ

जिसमें से थ्री के आंसर्स जो है वो नेगेटिव आते हैं अब आप ये कैसे ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव किसके आ रहे हैं इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं सी ओ उनके डेरिवेटिव्स हमेशा ही नेगेटिव आते हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं कॉज का डेरिवेटिव नेगेटिव है कोर्ट का डेरिवेटिव भी नेगेटिव है और कॉसिकन का डेरिवेटिव भी नेगेटिव है Now students move to the next slide. Here we have the differentiation of inverse trigonometric functions. Derivative of sin inverse x is equals to 1 over under root 1 minus x square. ये बहुत आसान है लर्न करने में. Suppose students अगर आप sine inverse x का फॉर्मला लर्न करते हैं, तो cosine inverse x का आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, क्योंकि there is only one difference that uh, cosine inverse x derivative is negative. okay now students here we have the third formula tan inverse x tan inverse x is equals to 1 over 1 plus x square similar formula if you learn the formula of tan inverse x then cot inverse x is same but there is only one difference of negative sign now students here we have the fifth formula of secant inverse x here secant inverse x derivative is 1 over x under root x square minus 1 and now you can see in this as well, cosecant inverse x is same, but only is difference of negative sign. So students, all of you have to learn these formulas. When uh, we start the exercise, and you you will do practice of the exercise, then automatically you will learn that formula. Okay. Thank you for watching the complete video.